नगर पंचायत चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से छाया हुआ है। हर ओर प्रत्याशी जनता को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रही है। छपरा जिले के गुफा नगर की बात करेंगे, जहां पर पंचायत से युवा वार्ड पार्षद प्रत्याशी किशन कुशवाहा ने हमसे खास बातचीत की है। कहते हैं ना कि जनता का दिल जीतना हो तो धरातल पर उतरना, जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, तभी जनता के दिल में आप जगह बना पाएंगे। युवा वार्ड पार्षद प्रत्याशी किशन कुशवाहा ने बताया, सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही, इसके बावजूद भी हमारा जो क्षेत्र है विकास से कोसों दूर है। आज भी उनके वार्ड में कई ऐसी जन समस्या है जिसको लेकर जनता परेशान है। फिर चाहे वह पेयजल की समस्या की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, राशन की बात हो या बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथियों ने मुझे प्रेरित किया है और प्रोत्साहित किया है कि आप भी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े। किशन ने कहा, वह जनता की अदालत में है। कोपा की सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथियों ने अगर सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का बेहतर विकास होगा। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के कोपा नगर पंचायत क्षेत्र में। चूंकि नगर पंचायत चुनाव का चर्चा पूरे बिहार में जोरों पर है, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिए हैं। कोपा नगर पंचायत से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में किशन कुशवाहा जी इस बार जनता के अदालत में हैं। किशन कुशवाहा से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं और वर्तमान में इनके क्षेत्र का विकास किस तरह का हुआ है। किशन जी, इस बार आप भी यहाँ से प्रत्याशी हैं और आप भी कोपा नगर पंचायत में नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप मेरे क्षेत्र में आए और उस लायक समझा कि हाँ ये जो चीजें हैं जी जी इसको उजागर किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब काम हमारे वार्ड में होना चाहिए जी 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 अभी तक वो काम नहीं हो पाया है। जी, जैसे कि बुजुर्गों का जो पेंशन वगैरह हो गया, चाहे विधवा पेंशन हो गया जी जी, चाहे राशन कार्ड का हो गया, नाली का हो गया, खरंजे का हो गया, ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी तक मतलब काम हमारे वार्ड तक नहीं पहुँच पाया। जी, बात समझ रहे ना, यही सब बात है। चूंकि सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई, सात निश्चय भी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना था, जिसके माध्यम से हर घर नल का जल पहुंचाना था, पीसीसी सड़क का निर्माण करना था, पक्की नली का निर्माण करना था, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाई है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। पिछले ढाई साल से जिस वार्ड में बैठे हुए हैं, ये वार्ड नंबर 9 है, पिछले ढाई साल से तकरीबन 15 घरों में यहाँ से पानी आगे से चल करके पानी आगे तक नहीं जा रहा है। 15 घरों में पानी नहीं जा रहा है, इसके लिए शिकायत मैंने नल जल योजना के तहत मैंने किया उन लोगों के पास। फिर यहाँ पे मैंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत किया, उनको शिकायत किया, करने के बाद कोई उसका रिप्लाई नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। उसके नगर पंचायत चुनाव बहुत करीब है और किशन कुशवाहा जी लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार हमको सहयोग करें, हमारा समर्थन करें, उसके बाद जो भी हमारी मुद्दा है और जो उन लोगों की मुद्दा है, जो हमारी समाज की मुद्दा है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे वाले, उन लोगों के जो भी काम है हम अपने काम जो है उनको करेंगे। निश्चित तौर पर नौजवान है, युवा है, इनके अंदर एक विकास करने का जज्बा है, क्योंकि इनका यह मानना है कि सरकार तो कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, सरकार कहीं ना कहीं विकास कार्यों को करने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन जिनको यह जनता ने दायित्व दिया है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इस बार नगर पंचायत का चुनाव है, किशन कुशवाहा जी जनता के अदालत में हैं, इनका यह मानना है और कहना है कि इस बार अगर मौका मिला मुझे और मैं यहां से निर्वाचित होकर गया तो निश्चित तौर पर इन सारे समस्याओं का समाधान करूंगा, सरकार द्वारा सभी संचालित जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक उतारने का काम करूंगा। तो फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।